आज बाबा के इस कीर्तन में विशेषकर नागपुर में मेला मेरा पहली बार आगमन है, आप सब जानते ही होंगे। लेकिन आज जहां खाटू धाम में देश विदेश से लोग आते हैं, हर जगह से आते हैं, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का एक नागपुर था जो कभी हमको ज्यादा दिखा नहीं, लेकिन आजकल 5-6 महीने से नागपुर वालों की धूम मच रही है खाटू में। तो ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, खाटू नरेश की ये विशेष कृपा आप लोगों पे है, क्योंकि बाबा के दरबार में एक बड़ी प्यारी बात आपको बताती हूँ, उसके बाद भजन का भजनों की शुरुआत करूंगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि बाबा शाम की ज्योति से नूर मिलता है, ये बात बिल्कुल सच है कि बाबा के दरबार क्यों भाग भाग के हर महीने हम जाते हैं, हमारा बस चले तो हम 15-15 दिन पे भी पहुंच जाए, कि बाबा शाम की ज्योति से नूर मिलता है, कितना भी दर्द भरा हो दिल में उसको सुरूर मिलता है, कोई नहीं गया आज तक इस दरबार से खाली, हर एक भक्त को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे आते ही एक चीज गौर की है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं विशेष किसी का नाम नहीं ले रही, ना मैं किसी पे पॉइंट कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग पानी का सेवन कर रहे हैं तो मत कीजिए, है ना, कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे बाबा के दरबार में मूंछ उठा करके क्यों बैठेंगे, जब रह सकते हैं तो इतनी गर्मी तो है नहीं, आप आराम से रहेंगे। बोली सच्चे दरबार की, बोली खाटू नरेश की। आइए सबसे पहले बाबा का आह्वान करते हैं, बाबा को बुलाते हैं। आज नागपुर के जितने शाम प्रेमी हैं यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं बाबा की कृपा से, आज बाबा की जोत जलाई गई है। लेकिन क्या फायदा ऐसी जोत जलाने का, और क्या फायदा इतने सारे भक्तों के आने का जो मेरा बाबा ही ना आए तो। खाटू से नागपुर की दूरी थोड़ी तो होगी, तो आइए शुरुआत करते हैं बाबा को बुलाने की। और सबसे पहले बोलेंगे क्या, बाबा शाम के दर्शन की आस है, एक बार हाथ खड़े करके बताइए, मैं नहीं देख रही बस वो देखेगा, और कह देना है साथ में मिलके क्या हो? Oh,
खड़ा देखे हुकुम बस आपको सेवा में कावरिया खड़ा जी बिना माइक के अच्छा सुनो, कॉल का मतलब जानते हो? यहाँ सब मारवाड़ी है, सब जानते होंगे कॉल का क्या मतलब होता है। वादा, वादा। ये जो श्याम परिवार है हमारा, क्या नाम बताया था मैं थोड़ा सा भूल गई, श्याम फैमिली परिवार, फैमिली। ये जो श्याम फैमिली है हमारी, इनको कौन कौन है भाई श्याम फैमिली, जरा पहले ये मुझे बता दो श्याम फैमिली कौन कौन है। अब ये कोई पर्टिकुलर मंडल नहीं है श्याम फैमिली? आप फैमिली नहीं है क्या? आप बच्चे नहीं है क्या? फिर हाथ क्यों नहीं उठा आपका? इधर उधर देख रहे हैं आप लोग, इधर उधर मत देखिएगा। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आज नागपुर वालों से बाबा श्याम ने वादा किया था कि नहीं किया था कि वो आएगा? किया था, सिर्फ गिन्नी ने थोड़ी किया था, इसने भी तो किया था, तभी तो गिन्नी ने हामी भरी थी। एक बार उठा लो ना पूरे पूरे हाथ, अगर मेरे बाबा ने वादा किया था तो वो वादा निभाएगा। और सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। और ताली मिला के, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। थाने को बाबा आज थाने आड़ो है कीर्तन की।
एक बार एक एक हाथ उठाओ, दूसरे हाथ का अभी कोई काम नहीं, एक एक हाथ और बुलाना हुआ जा रे जो कुछ बड़े हो मासूम अनपढ़ प्रभु सारा
सावरिया नंदू सावरिया तारो दास पुराणो है नंदू सावरिया नंदू दास पुराणो है नंदू सावरिया ओ नंदू सावरिया तारो दास पुराणो है थाने को एक बार मैं नहीं गाऊं आप सब गाओ कीर्तन की है एक मिनट क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप सब लोग गा रहे हो क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से तो चोरी हो रही है सब और ये चोरी नहीं होनी चाहिए इसके दरबार में याद रखो अगर इसने चोरी कर ली तो कहां जाओगे तुम हाँ गाओ ना एक बार सब गाओ ना देखते हैं सबकी आवाज कैसी है भाई कीर्तन की है ताली भी बजाओ साथ में कि पता लगे कि कौन कौन गा रहा है कीर्तन कीर्तन की है रात भामा तड़पने दिवा अच्छा देखो भजन की समाप्ति है ये आओ पूरे पूरे हाथ उठा के और ताली बजा के एक साथ कीर्तन की है रात कीर्तन की है रात बाबा आप लोगों को आज नया सिखाती हूं जिसमें आपने हाथ उठाना है तीन बार जयकारे बोलने तीन बार ताली बजानी है और हमारे ढोलक वाले भैया भी तीन बार ढोलक की थाप बजाएंगे समझ में आया नहीं आया होगा आओ एक बार बजाओ तो बताती हूं समझ आ गया क्या तीन बार जयकारा तीन बार ताली तीन बार ढोलक की थाप लेकिन तीनों साथ में होगा अलग अलग नहीं ठीक है बोलो बोलो सच्चे दरबार की नहीं नहीं तीन बार बजानी है मैं बोल रही हूँ ना तीन बार बजानी है तीन बार ही बजानी है चार ताली अच्छा मतलब तीन नहीं बजेगी आपसे तीन बजाओ चलो बदलते थोड़ी सी हाँ अच्छा चार क्यों छोटा परिवार सुखी परिवार तीन और छोटा परिवार है ये हम दो हमारे दो नहीं होता अब हम दो हमारा एक ही होता है आओ एक बार बोलो सच्चे दरबार की कोई नहीं अच्छा कभी कभी अच्छा लगता है बिहार वालों को भाई नागपुर वाले थोड़े कम समझदार है बिहार वाले थोड़े ज्यादा समझदार है तीन ताली कोई 21 कोई चार नहीं तीन क्या ये जरूरी थोड़ी है लोग 108 बार नाम लेते हैं रट रट के हिसाब कर करके जिसने आपको बेहिसाब दिया है उसका नाम भी आप हिसाब ले लेके रटते हो बताओ ऐसा थोड़ी होता है ये तो एक है थोड़ा अच्छा लगता है आओ एक बार दोनों हाथ खड़े करके तीन ताली भैया तीन बार इसी टाइम बजेगी आपकी जैसे सच्चे दरबार की जय जय वो आपकी बजेगी इधर वाला या दोनों बजा दीजिए आप एक साथ ठीक है आओ तीन बार रिहर्सल कर लेते हैं चलो बोलो सच्चे दरबार की फिर मैं कह रही तीन बार हद हो गई है तो इतना समझा दिया मैंने फिर भी नहीं समझे आप लोग चलो आप समझ गए क्या आप समझ गए क्या नहीं समझदार है भैया ठीक है आओ बोलो सच्चे दरबार की गुड कुछ लोग तो समझे बाकियों को समझा देते हो भैया आप तो नहीं समझे अभी तक हैट्स ऑफ आओ फिर से अच्छा बोलो सच्चे दरबार की लख दातार की हारे के सहारे की दीन बांधारी की खटू नरेश की ऐसे ही अब ये रेडी नहीं था ये रिहर्सल थी अब रेडी हो जाओ चलो अब रेडी पक्का तो आओ उठा लो दोनों दोनों हाथ और ताली बजाना पूरी पूरी ठीक है भैया आप तो रेडी अब तो आजो बोलो सच्चे दरबार की लखदादार की हारे के सहारे की दीन बांधारी की बंसी वाले की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो बोलो सच्चे दरबार की
भैया कैरेक्टर से बाहर निकलिए, हो गया ई माइनर, ई माइनर, जिसकी आज नागपुर में ये कीर्तन करने के बाद, यहां से गाने के बाद कल रिकॉर्डिंग है। आप लोग खाटू जाते हैं ना नागपुर से, जत्था जत्था जाता है ना, कौन कौन जाते हैं, किसने किसने हाथ उठाए थे, क्या बात, क्या तो आइए खाटू से वापस आने के बाद प्रेमी क्या मांगते हैं बाबा से, कि बाबा कुछ देना या मत देना, हमारे पास ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, इतना दे देना हर महीने हमको, इतना दे देना कि बाबा, भैया पूरे कॉर्ड्स लगाइए, इतना दे देना क्या, मैं आता रहूं दरबार सांवरे, मैं आता रहूं, मैं आता रहूं दरबार सांवरे, मैं आता मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार बाबा के दरबार गई थी, मुझे पता है, मैं जिक्र नहीं करना चाहती कि मैं कैसे गई थी, लेकिन मुझे पता है कि मैं कैसे गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ फाइनेंशियल दिक्कत हो गई होगी, नहीं जा पाते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारी तो पोजीशन हमेशा ही बहुत अच्छी थी, बाबा से जुड़ने से पहले भी हम बहुत बढ़िया थे। ये सब जो कीर्तन मैं करती हूँ, ये सब मेरा शौक किया है, जिसको मैंने, है ना, ऐसे बना लिया। लेकिन हमारा, हम, आप जानते हैं कि हम पंजाबी हैं, और हमारे घर में, हमारे पापा हमारे समस्तीपुर से तो बहुत दूर है खाटू, हमारे समस्तीपुर से अच्छी खासी दूरी है खाटू की। हमारे पापा का ये, मेरे पापा का ये कहना था, भाई क्या करना है जाके, क्या होगा जाके। जब मैं पहली बार गई, सच बताती हूँ, 2015 में बाबा के दरबार में पता नहीं क्या हुआ था, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आंसू निकले थे, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आंसू निकले थे, और बहुत गहरे आंसू निकले थे, जो निकलते ही जा रहे थे, निकलते ही जा रहे थे, जो रुकने, मैं चाहती थी कि रुक जाए, मैं चाहती थी कि कोई मुझे ना देखे, लेकिन मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो आंसू निकलते जा रहे थे, निकलते जा रहे थे। और बाबा की कृपा इतनी है कि उस दिन के बाद मैं हर महीने दर्शन करती हूँ, आज 4 साल हो गए, लेकिन उसके बाद मेरे कभी भी आंसू नहीं निकले इसके दरबार में, कभी भी नहीं। वो पहली बार जब मैंने सिर्फ सुना था इसके बारे में, मैं इसको जानती नहीं थी, मैं इसकी कृपा को नहीं जानती थी, इसने मुझ पे कोई कृपा नहीं की थी, फिर मेरे आंसू निकले थे। आज तो इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, जो कोई देखता है मुझे मुस्कुराते हुए देखता है। आओ एक बार ये कृपा मांगो, जो हर महीने जाते हैं वो भी मांगो, और जो हर महीने नहीं जा पाते वो तो जरूर मांगो। क्या, मैं आता रहूं दरबार सांवरे, मैं आता रहूं दरबार, मैं पाता रहूं तेरा प्यार सांवरे, मैं पाता रहूं तेरा, मैं, उठा लो पूरे पूरे हाथ और ताली, 1 2 कहते हैं, अरे हर महीने का झंझट नहीं है भाई, जब बाबा बुलाए चले जाएंगे।
मैं कहती हूँ तुम टिकट तो बनाओ, ये तो वही बात होगी, तुमने टिकट नहीं बनाई, बाद में बाबा को दोष दे रहे हो, बाबा का बुलावा ही नहीं था, हम कैसे जाते। अरे मुझे बहकाओ नहीं, मेरा ईमान अभी बाकी है, मुझे बहकाओ नहीं, मेरा ईमान अभी बाकी है, बाबा से लेने को वरदान अभी बाकी है, और मेरा दम निकले तो खाटू में निकले ये अरमान अभी बाकी है। उठा लो ना हाथ, तेरे चरण की धूली, मेरी सारी दौलत बाबा तेरे चरण की धूली। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ एक से एक बैठे होंगे सब, मतलब क्या, अगर कोई लखपति होगा तो दूसरा करोड़पति होगा, अगर सामने वाला है ना बोलता है हाँ मैं ही मैं हूँ, दूसरा बोलेगा तू कौन है, मैं हूँ। बाबा ने इतनी हैसियत दे रखी है एक एक जने को यहाँ पे, लेकिन ये कृपा देखो सब एक साथ बैठे हैं, सब एक साथ बाबा। मेरी सारी दौलत बाबा तेरे चरण की धूली, मेरी सारी दौलत बाबा तेरे चरण की धूली। जो बाबा के दरबार जाते हैं ना, जो बाबा के दरबार जाते हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो किसी के थ्रू दर्शन करते हैं, किसी के थ्रू दर्शन करते हैं, उनका बाबा के, गौर करना मेरी बात को, उनका बाबा के सामने सिर झुकने से पहले वो फलाने जी के सामने सिर झुक जाता है, जो किसी के थ्रू करते हैं ऐसे करके। नमस्ते जी, नमस्ते, दर्शन करने जाओ जाओ जाओ। और जो किसी के थ्रू नहीं जाते ना, वो जब बाबा के सामने जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, और वो जो फलाने जी है ना वो उसके सामने ऐसे हो जाते हैं, ये प्रेमी है साहब। याद रखो, दर्शन कितनी बार भी करो इधर उधर से, एक बार लाइन में जरूर लगना, एक बार लाइन लगना, बस बस एक बार, चाहे तुम बारस को ही लग जाओ, दशमी को ही लग जाओ, लेकिन क्योंकि बाबा तूने उस पल याद रखा जब सारी दुनिया भूली, तूने उस पल याद रखा जब सारी दुनिया भूली, मेरी सारी दौलत बाबा तेरे चरण की धूली, मेरी सारी दौलत बाबा तेरे चरण की धूली, तूने उस पल याद रखा जब सारी दुनिया भूली, करना यूं ही उपकार सांवरे, करना यूं ही उपकार सांवरे, मुझे याद है जब मैं नागपुर के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी कि यहाँ के श्याम प्रेमी क्या है कैसे है, सच बताती हूँ, सच्चाई बोलने में हिचकती नहीं हूँ, तब ये विजेता जी मुझे खाटू मिलती थी, सच है जो मुझे याद है। उस समय हमको क्या, खाटू में बहुत लोग मिलते हैं, हमको याद भी नहीं रहता कितने लोग मिलते हैं, लेकिन इनमें खासियत है जब मिलती थी तो कहती थी मैं विजेता अग्रवाल नागपुर से तो ये मुझे याद रहेगी नागपुर से, ऊपर से इनकी हंसी बहुत प्यारी है। हमारे राजेश भैया, मैं बाऊजी बोलूंगी, राजेश ही तो नाम है भैया आपका, ट्रू कॉलर पे आता था मुझे पता तो है नहीं वैसे, हाँ रे बाऊजी, इनका फोन आया मेरे पास, इनके लिए ताली बजाओ जोर था। इन्होंने हर प्रयास किया, आना तो मुझे था ना, जरूरत तो मेरी थी ना, पैसे तो मुझे मिलने थे ना, लेकिन इन्होंने हर प्रयास किया कि मैं नागपुर आऊं। एक बार और ताली बजाओ जोर था, इनका क्या फायदा। लेकिन ये प्रेमियों का जो रिश्ता है ना हमारा, मुझे बस इतना पता है
कि जहां अपने सगे संबंधी रिश्तेदार धोखा दे देते हैं ना, वहां पे शाम प्रेमी एक दूसरे का साथ दे देते हैं। और ये परखी हुई बात है। एक बार मान लो वैसे भगवान ना करे ऐसा हो जाए, लेकिन मान लो एक बार कि कहीं किसी हाईवे पे गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, इंडिकेटर जला के रखते हैं, कितनी गाड़ियों से लिफ्ट मांगते हैं, कोई नहीं रुकता। लेकिन एक काम करना, जब खाटू जाओ ना तो जिसके पीछे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा स्टिकर ना हो जरूर खरीद के लाना, और अपनी गाड़ी के पीछे छोटा नहीं बड़ा वाला लगा लेना। परवाह नहीं पीछे का कुछ दिखे या ना दिखे, लेकिन बड़ा वाला हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा लगा लेना, क्योंकि अगर वो इंडिकेटर जलता रहे ना, हजार गाड़ियां क्रॉस कर जाएंगी। हो सकता है जहां पे आपकी गाड़ी खराब हुई हो वहां से एक दो किलोमीटर दूर ही आपका कोई रिश्तेदार भी रहता हो, आप उसको फोन मिलाओगे ना, नहीं मिलेगा, उठाएगा नहीं, सो रहा होगा। लेकिन अगर भाई साहब कोई हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा वाली अगर दूसरी गाड़ी वहां से क्रॉस कर गई ना, तो 150 के स्पीड में जा रही होगी, लेकिन मैं सच कहती हूँ सडन ब्रेक मारेगी, बोलेगी काम तो बाद में होगा, पहले मेरे भाई को देख लूं क्या दिक्कत है, और रुकेगी। ये आजमाई हुई बात है, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूं कि गाड़ी रुकेगी। और इसको कह दो ना, करना यूं ही उपकार सावरे, करना यूं ही उपकार सावरे, मैं आतार हूं दरबार सावरे, मैं आतार हूं दरबार सावरे। एक बार खड़े करो ना पूरे पूरे हाथ। देखो ये पूरा का पूरा फील्ड मुझे लगता है आधे ज्यादा भर गया है, जितनी प्रेमियों की जगह होनी चाहिए सब बैठे हैं, कोई कुर्सियों पे बैठे हैं, कुर्सी वाले सबसे पहले हाथ ऊपर और ताली एक साथ, 1 2 3 4 5। सच्ची लगे तभी गाना, कोई जबरदस्ती नहीं इस लाइन के साथ किसी में। सर से लेकर पांव तलक तेरा कर्जा है बाबा, सर से लेके पांव तलक बाबा, सिर से लेके पांव तलक तेरा कर्जा है बाबा, सिर से लेके पांव तलक तेरा कर्जा है बाबा, सोच नहीं सकता था उससे दिया है तूने ज्यादा, सोच नहीं सकता था उससे दिया है तूने ज्यादा, शाम का तू ही संसार सावरे, इस शाम का तू ही संसार सावरे, फेसबुक तो सब लोग यूज करते हैं, तो ये आता रहूं दरबार सावरे का एक प्रोफाइल बनाया हम लोगों ने, जिसको मुझे लगता है अभी तक 5,000-6,000 श्याम प्रेमी लगा चुके हैं। अगर आप लोग छूटे हुए हैं तो मेरी प्रोफाइल से इस प्रोफाइल को कॉपी कीजिए और इसको लगाइए, क्योंकि बाबा के दरबार इनफैक्ट सबको आना है। आता रहूं, क्या बात, बहुत जल्दी बाबा के चरणों में बुलाता रहे नहीं, फिर मैं वही बात कह रही हूँ, वो तो बुलाता ही है, वो कब कहता है अपने बच्चों को कि मत आओ, आपकी गलती, आप टिकट नहीं बनाते हो, टिकट बनाओ, फ्लाइट छूट जाए तो मैं समझूंगी उसका बुलावा नहीं था 100%। तो कितना पर्दा करेंगे आप लोग,